नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बात कर रहे हैं आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव की। राजबल्लभ यादव की किस्मत पर आज फैसला होना है, उनको सजा सुनाई जाएगी या फिर रिहाई के बाद राजद को राहत मिलेगी, इस बारे में नजरें बनी हुई हैं। आपको बता दें कि राजबल्लभ यादव पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इसके साथ ही साथ राजबल्लभ समेत कुल 5 आरोपियों पर आज फैसला संभव है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 के फरवरी में ये मामला सामने आया था, जब राजबल्लभ यादव के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही साथ जून 2016 में निलंबित राजद विधायक राजबल्लभ यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुए थे। दुष्कर्म की इस चर्चित मामले में 5 अन्य आरोपियों पर भी फैसला आज आने की संभावना है। इसमें लालू यादव के करीबी और आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव के अलावा संदीप, सुमन, राधा देवी, राधा की बेटी सुलेखा देवी, छोटी उर्फ अर्पिता और टिशु कुमार अभियुक्त बनाए गए हैं। दरअसल ये मामला 15 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का है। बिहार शरीफ की रहने वाली छात्रा को उसकी पड़ोसी सुलेखा देवी यह कहकर अपने साथ ले गई थी कि उसे एक जन्मदिन की पार्टी में चलना है। छात्रा जब उसके साथ एक घर में पहुंची तो वहां पर कोई पार्टी नहीं चल रही थी, वहां विधायक राजबल्लभ यादव मौजूद थे, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। बार बार पीड़ित लड़की का भी बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही साथ कई मामलों में लगातार ट्रायल होते रहे। अब राजबल्लभ यादव की किस्मत का फैसला आज 15 दिसंबर को होने की पूरी संभावना है। जाहिर है कि बिहार की सियासत में राजबल्लभ यादव को लेकर के माहौल काफी गरमाया हुआ है। इससे पहले जो फैसला कोर्ट सुनाएगी उस पर अब आगे की बात टिकी होगी। क्या राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को रिहाई मिलती है या फिर उनको सजा सुनाई जाती है। फिलहाल लंबे समय से इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी और आज माना जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट अपना फैसला देगी। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि आपको खबरों से हर छोटी बड़ी जुड़ी नोटिफिकेशंस मिलती रहें।